सहारों के लिए गोरेगांव पश्चिम मोतीलाल नगर में आज़ाद मैदान के पास स्थित डिजायर सोसाइटी सहारा बनकर उभरी है। यहाँ पर HIV पॉजिटिव 30 अनाथ लड़कियों की हर प्रकार देखभाल की जा रही है। उनके रहने खाने और पढ़ाई का पूरा खर्च उक्त संस्था कर रही है। सरकार की तरफ से सिर्फ दवा ही उपलब्ध कराई जाती है। इस संस्था की देख रेख कर रही लीमा मोहंती ने जब HIV के आंकड़ों के बारे में बताया तो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए हम सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। मैम, यहाँ पे आप अर्पण हाउस चला रहे हैं, कितने सालों से चल रहा है अर्पण हाउस, कितने बच्चे यहाँ पे हैं? इसमें हम एक्चुअली मुंबई में 5 साल से काम कर रहे हैं और ये स्टार्ट हुआ था 12 इयर्स बैक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और हैदराबाद में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में और 5 सिटीज में अब हम हैं, तो हैदराबाद के बाद में फिर बैंगलोर और विशाखापट्टनम, मुंबई एंड दिल्ली में भी अब हमारा है, 2 साल से दिल्ली में भी है। और इसने जो काम करने का जो विषय है मेनली, तो हम लोग HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए काम करते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल नीड्स हैं उनकी, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग चला रहे हैं। और मिस्टर जी रवि बाबू जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था ये बात, और यहाँ पे मुंबई में कंसेप्ट वही है कि जो HIV चाइल्ड है जिसका कोई नहीं है, पेरेंट्स दोनों गुजर गए HIV में, तो उसके बाद में हम उसको इधर लेके आते हैं। और केयर होम जो है अब मुंबई में 2 हैं, एक तो गोरेगांव वेस्ट में है जहाँ पे गर्ल्स ही खाली है, और वाशी में बॉयज हैं। और इसमें नंबर जो है वो 30 गर्ल्स हैं यहाँ पे गोरेगांव में, और वाशी में 20 बॉयज़ हैं। और क्राइटेरिया वही रहता है कि जो जो ये स्पेशल चाइल्ड है, जो चाइल्ड है उसको कोई नहीं है घर में, उसको देखने के लिए, उसका खाना पीना, उसका मेडिकल के लिए, स्कूलिंग के लिए, जो जो बच्चे का रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल करते हैं, उसको हम देते हैं उसको। और ये जो उसको बढ़ाने मतलब हम जो केयर करते हैं वो उसको कोई लिमिट ऐसा नहीं है कि इस एज तक रखेंगे, जब तक ये बच्चे है तो तब तक हमारे साथ रहेगा, क्योंकि मेडिकली फिट नहीं रहता, इसलिए इसके साथ में कोई एक बार नहीं है कि साल तक रखेंगे फिर उसके बाद जीवन सारा, जब तक वो चाइल्ड है उसका केयर करेंगे, जो जो उसकी नीड है उसको प्रोवाइड करेंगे। इनका जो मेडिकल वगैरह है, जो दवाइयाँ हैं, वो सब कैसे उपलब्ध कराते हैं? अपने गवर्नमेंट की साइड से जो मेन मेडिकेशन है वो ARTA, वो मेडिकल जो इसमें एक जो मेन मेडिकेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आती है, उसके लिए हम डेली आवारी हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव बहुत कॉस्टली रहती है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बच्चे जो है वो कोई बैकग्राउंड से आते हैं, BPL में आते हैं, तो इनका तो कोई नहीं है कि कोई इनके लिए कुछ करेगा, तो हमें ही सब कुछ अरेंज करना है। मेडिकल की साइड में गवर्नमेंट की तरफ से खाली ARTA मेडिकेशन जो है वो फ्री रहता है, उसमें टेस्टिंग और ये दोनों चीज़ें फ्री हैं गवर्नमेंट की साइड। और बाकी जो भी इन्फेक्शन का लो इम्यूनिटी रहता है, तो जो इन्फेक्शन है कुछ भी ऐसा कैच करते हैं वो सब फिर हम लोग देखते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सहयोग रहता है, पर प्राइवेट जो है वो लिमिटेड है, उसमें हम सब जो है वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल में हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसके स्पेशल ट्रेनिंग और वो सब नहीं होता है सब जगह, तो इसलिए हम लिमिटेड रहते हैं। गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इनके लिए स्पेशल वार्ड होता है HIV के चिल्ड्रन के लिए, जो वहाँ है उसमें हम जाके उसको एडमिट कर सकते हैं, वो फैसिलिटी गवर्नमेंट की साइड में रहती है। बाकी जनरल डे टू डे में जो है वो हमारा अपना जो है हैदराबाद में भी डॉक्टर्स का टीम है, उनके सिक्योरिटी में रहता है। यहाँ पर भी अभी हम 24 आवर्स अवेलेबिलिटी नर्स के लिए करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे सहयोग सबका मिलेगा उसमें और हम ऐड करेंगे। 10 सालों में और अब में क्या बदलाव आया है, कितनी मतलब कमी आई है HIV के जो पेशेंट से पहले ज़्यादा होते थे, अभी कैसे अवेयरनेस बढ़ गया है? अवेयरनेस तो है, गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है अवेयरनेस के लिए, पर नंबर जो है वो कम नहीं हो रहा है, स्पेशली बड़ा सिटीज़ में, दिल्ली में हमारा है, बॉम्बे में, दोनों जगह में, इसमें कोई खास फर्क नहीं। जो पेशेंट 10 साल पहले आते थे उसी का नंबर तो है, नंबर तो पक्का है, क्योंकि वो उसमें नंबर कम नहीं हो रहा, उल्टा वो और जो शिक्षित पहले जो था वो गरीब है तो उसके पास है, अनएजुकेटेड है उसके पास है, अभी ये और जो इंफ्लुएंशियल हैं जिनके पास सब कुछ है उनके पास भी ये पहुंच रहा है, तो ये
जो आगे है वो उसमें कभी नहीं, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो एक लिमिटेड नहीं है कि एक गरीब है तो ये सफ़र करेगा, ये अनएजुकेटेड है इसको एचआईवी पता नहीं तो ये सफ़र करेगा, इसमें और सेक्शन सोसाइटी जो है वो भी साथ में जुड़ रहा है, तो इसमें नंबर और उन बच्चों के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो गरीब है, इसने कुछ नहीं देखा, इसका माँ को गुजर गया तो हम ले के आ जाएंगे, पर जो अच्छा फैमिली में होगा वो रह नहीं सकता इधर इंडियो में, उसको तो अगर हम प्रोटेक्शन दे के रखेंगे तो उसको पूरा जीवन मुश्किल है, भारी है उसके, तो इसलिए ये नंबर कम नहीं हो रहा, स्पेशली जो बड़ा सिटीज़ है उसमें बॉम्बे दिल्ली, इसमें नंबर कम का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होता है वो बहुत रहती है, उसमें डेली वेजेस बहुत रहते हैं, उसमें जो है वो उसमें कंट्रोल रखना नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पहले माझे कर्तव्य फाउंडेशन जैसी एनजीओ भी इन अनाथ लड़कियों की समय समय पर मदद करती रहती है। इस बारे में एनजीओ की अध्यक्षा नैना कनाल जी से जब मेट्रो इंडिया न्यूज़ के संवाददाता ने बातचीत किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। नैना कनाल जी कक्षा 10 में एग्ज़ाम देने जा रही 5 लड़कियों को यहाँ शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने पहुँची थी, वह भी समय समय पर इन बच्चियों की यथासंभव अपनी एनजीओ के माध्यम से मदद करती रहती हैं। मैम, आज यहाँ आप गोरेगांव अर्पण हाउस में आई हुई हैं, बच्चों को अपने शिक्षा की सामग्री जो है दिया है, कब से यहाँ पे आपका आना जाना है? यहाँ पे मुझे आते हैं करीब डेढ़ पौने दो साल हो चुके हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे रेगुलर, और यहाँ पे हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, जिसमें आप छोटे भी देख रहे हैं, बड़े हैं, टेंथ के हैं, ट्वेल्थ के हैं, तो इस तरह के बच्चे हैं, इनके साथ हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, स्टडी मटेरियल जो हो सकता है हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। आज जो बच्चे जा रहे हैं, 5 बच्चे यहाँ से जा रही हैं, हाँ। उनका एग्जाम है टेंथ का एसएससी बोर्ड का, हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बस उनको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आए थे कि अच्छे से करें और आगे अपना करियर फ्यूचर ब्राइट करें, इसीलिए आए थे हम उनको मिलने के लिए। यहाँ पे कुल कितने बच्चे हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट 29। आपकी भी एनजीओ है, हाँ। तो ऐसे बच्चों के लिए आप अपने एनजीओ के माध्यम के आगे चल के किस तरह से मदद करना चाहते हैं? सर, पहले माझे कर्तव्य का मतलब ही आता है कि मेरा पहला कर्तव्य सोसाइटी की तरफ क्या है, तो इसीलिए हम वो पहले माझे कर्तव्य को देखते हुए हम इन बच्चों के लिए, या और भी जैसे मैंने कहा था बीच में कि हमारे 450 स्ट्रीट किड्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, तो वहाँ पे भी अभी हमारी एक एक्टिविटी होनी है जहाँ पे 25 बच्चे हैं जो 10th के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो बस इसी तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज करते रहते हैं बच्चों के साथ।